लोगों द्वारा रिश्तों में धोखा ना देने की 8 वजहें। बात जब रिश्तों की हो तो लगता है कि इंटरनेट के इस जमाने ने हमें थोड़ा सिनिकल बना दिया है। इंटरनेट ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस से भरा पड़ा है जिनकी हेडलाइंस हैं, लोग धोखा क्यों देते हैं, कैसे जाने कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है, धोखेबाज को पकड़ने पर क्या करें आदि। ये बहुत डिप्रेसिंग है। क्या बेवफाई सच में इतनी आम समस्या है कि हर कोई हर वक्त इसके बारे में बात करना चाहता है? वो ट्रेंडिंग लिस्टिकल्स कहाँ हैं जिनमें वो सारी वजहें दी गई हैं जिनमें लोग बताते हैं कि वो रिश्ते में धोखेबाजी क्यों नहीं करना चाहते? तो जो लोग होपलेस रोमांटिक हैं वो खुशियां मनाएं, क्योंकि आज हमारे लेखक साबित करेंगे कि रोमांस मरा नहीं है। हम उन सभी वजहों के बारे में बात करेंगे कि क्यों लोग अपने पार्टनर्स के प्रति वफादार रहना चाहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके अपनी वफादारी दिखाइए। हम वादा करते हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको रोजाना नए वीडियोस और कंटेंट देते रहेंगे। पहला, अपने रिश्ते से संतुष्ट होना। जी हाँ, कई बार सच्चे प्यार से वाकई में सब कुछ जीता जा सकता है। जो लोग प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान की नींव पर बसे खुशहाल कमिटेड रिश्ते में है, उनके दिमाग में ये धोखा देने वाली बात आएगी ही नहीं। अगर किसी ने अपने रिश्ते में इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जाहिर है वो अपने पार्टनर को धोखा देकर इसे बर्बाद नहीं करना चाहेगा, और इसलिए उनकी यही मानसिकता रहेगी कि जो टूटा नहीं है उसकी मरम्मत ना करें। देखा होपलेस रोमांटिक्स? हमने कहा था ना कि निराश मत होइए। हमारी इस छोटी सी दुनिया में अभी भी प्यार के लिए ढेर सारी जगह है। दूसरा, गिल्ट की भावना। शायद ये जवाब पिछले जवाब जितना आइडियलिस्टिक नहीं है, लेकिन लोगों द्वारा अपने पार्टनर को कभी भी धोखा ना देने की एक और वजह है ऐसा करने के बाद आने वाला गिल्ट और शर्म की भावना। हो सकता है बेवफाई की ओर वो आकर्षित भी हो, लेकिन जो लोग अपनी नैतिकता से मजबूती से बंधे होते हैं वो इस तीव्र इच्छा को रोकेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अफेयर की वजह से आए थोड़े से मजे पर बाद में आने वाले गिल्ट की भावना भारी पड़ जाएगी। जैसे कि कहते हैं ना, हमेशा अपनी कॉन्शियंस को अपना गाइड बनाइए। तीसरा, अगर मैं धोखा दूं तो वो भी देंगे। लोगों ने धोखा ना देने की तीसरी सबसे आम वजह बताई है बदले में की गई बेवफाई का डर। यानी उन्हें डर लगता है कि अगर उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा देते हुए पकड़ लिया तो वो भी उन्हें धोखा देकर इसका बदला लेंगे। हालांकि ये रिस्पॉन्स बहुत ही वैलिड लगता है, लेकिन फिर भी अपने रोमांटिक पार्टनर के प्रति वफादार बने रहने की ये बहुत ही अजीब वजह है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे को तैसा। चौथा, उकसावे की कमी। ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। दो फेज की स्टडी में कई पार्टिसिपेंट्स ने ये दावा किया कि वो अपने पार्टनर को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उनके अनुसार अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो उन्हें धोखा देने के लिए उकसाए। ये जवाब देने वाले लोगों ने कहा कि या तो उनके पार्टनर ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उन्हें अफेयर शुरू करने का मौका मिले, या उन्हें बस इस टेम्पटेशन का कभी अनुभव नहीं मिला। अपने पार्टनर को अब तक धोखा ना देने के लिए हमें किसी को बधाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन कम से कम वो ईमानदार तो हैं। पांचवा, अपने पार्टनर के रिएक्शन का डर। क्या आप सच में धोखा देने के लिए माफी चाहते हैं, या आप इसलिए माफी चाहते हैं कि आप धोखा देते हुए पकड़े गए? इस बात से काफी कुछ समझ में आता है। पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि वो धोखा नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पार्टनर्स के रिएक्शन का डर है। अगर ये डर अपने पार्टनर की भावनाओं को चोट पहुंचाने का था तो समझ में आता है, लेकिन अगर ये डर इसलिए है कि पता चलने पर पार्टनर बदले में क्या करेगा, तो इससे पता चलता है कि इस रिश्ते में पहले से ही दम नहीं है। ऐसे मामले में वक्त पर प्रोफेशनल मदद ले लेनी चाहिए। छठा, सार्वजनिक बदनामी। क्या आप अपने समाज में धोखेबाज के नाम से पहचाने जाना चाहते हैं? शायद नहीं, है ना? जिन पार्टिसिपेंट्स ने ये जवाब दिया उन्होंने कहा कि वो अपने पार्टनर को धोखा नहीं देंगे क्योंकि भांडा फूटने पर उनकी काफी बदनामी हो जाएगी। आखिरकार कोई भी समाज में बदनाम नहीं होना चाहता। सातवां, परेशानी का डर। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और धोखा देना कोई एक्सेप्शन नहीं।
किसी रिश्ते में पार्टनर को धोखा देने से कई तरह की संभावित कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्लैकमेल, बीमारी या बस अपने किए को परिवार और दोस्तों के सामने स्वीकार करने की शर्म ही वो वजहें हैं जो शायद आपको अफेयर शुरू करने से डिस्करेज कर सकती हैं। तो खुद से पूछिए, क्या सच में ऐसा करना सही होगा? आठवां, सामाजिक कलंक। लोगों द्वारा बताई गई आठवीं और सबसे निचली रैंक की वजह है कि पार्टनर को धोखा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उन्हें बेवफाई से जुड़े सामाजिक कलंक का डर है। हमारे समाज को स्कैंडल चाहे कितने भी प्यारे क्यों ना हो, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग इस तरह की अडल्ट्री के विरोधी होते हैं। इसका नजारा आप किताबों, मैगजीन्स, वेबसाइट्स, फिल्मों और गानों के जरिए देख ही सकते हैं। सच बात तो ये है कि हम सब जानते हैं कि धोखेबाजी मॉरली गलत है और कई बार बस इतना इनकरेजमेंट ही हमें अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहने के लिए काफी होता है। मुझे यकीन है कि वजहों की इस लिस्ट को देखते हुए कुछ पैटर्न्स को पहचानना मुश्किल नहीं था। आप इस लिस्ट पर जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे कि वफादार रहने के लिए लोगों की रीजनिंग दूसरों के संभावित रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस पर आधारित होने लगती है। लोग हर बार इन वजहों से अवेयर नहीं होते कि उन्हें धोखा क्यों देना है या क्यों नहीं। फिर भी इससे हमें ये अंदाजा तो लग ही जाता है कि लोग धोखेबाजी को किस तरह से देखते हैं और इसे टालने के लिए वो खुद को कौन सी वजहें बताते हैं। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? मैं यही बात दोहराना चाहूंगी कि लोगों द्वारा रिश्ते में वफादार होने की सबसे पहली वजह है, सरप्राइज सरप्राइज, कि वो सच में उस इंसान के साथ खुश हैं जिसके साथ वो हैं। झटका लगाना, जो रिश्ते खुशहाल और स्वस्थ हैं, जिनमें दोनों ही लोग एक दूसरे के प्रति प्यार और देखभाल महसूस करते हैं, उन रिश्तों में धोखेबाजी की कोई जगह नहीं होती। क्योंकि क्यों होगी? शायद ये सो कॉल्ड होपलेस रोमांटिक्स इतने भी होपलेस नहीं होते। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मददगार, इन्फॉर्मेटिव या मजेदार था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप सिनिक्स हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, शायद इससे उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव जानने में मदद मिले। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।